नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका बहुत फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट वन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे और ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 1 का 19 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करेंगे और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ वो रिलेशन का फाइंड आउट करेंगे जिसके द्वारा एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट्स और इस स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब हम एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिसकी सहायता से हम एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट्स की सहायता से हम स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स की सहायता से हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसका जो डायग्राम है और उसकी जो ज्योमेट्री है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपको ओनली थ्योरेटिकल कंप्लीट करना है कि आपको वो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, सिर्फ ये समझना है। ठीक है, आपको सब कुछ मैंने बता दिया था कि प्लेन के प्रत्येक पॉइंट के लिए आपको स्क्वायर पे एक यूनिक पॉइंट मिलेगा और स्क्वायर के प्रत्येक पॉइंट के लिए आपको प्लेन पर एक यूनिक पॉइंट मिलेगा। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई से। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, और आपको पता है जब ये एक्स वाई प्लेन है तो जेड बराबर जीरो तल कहाँ पे हुआ, जेड बराबर जीरो तल ही है। ठीक भाई, एक्स वाई प्लेन का समीकरण क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का समीकरण होता है जेड बराबर जीरो, मतलब इस तल पर जेड का मान क्या होगा, इस तल पर जेड का मान होगा जीरो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्लेन के कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपने जो स्पेयर को आपने ये जो स्पेयर आपने बनाया है प्लेन पर या फिर आपने ये प्लेन है ये स्पेयर के सेंटर से पास आउट करवाया है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सिस है ये एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस आपकी है जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस कौन सी है, ये आपकी जेड एक्सिस है जो किसकी तरह बिहेव कर रही है, जो आपके बिहेव कर रही है जीटा एक्स है। ठीक है, जो किसकी तरह बिहेव कर रही है, जो ये कर रही है आपकी जीटा एक्सिस की तरह। ठीक है, जो किसकी तरह ये कर रही है, आपकी जीटा एक्सिस की तरह ये कर रही है। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये आपकी ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये आपके एक्सिस है जो एक्सिस है उसकी तरह ये कर रही है, ये जो आपकी वाई एक्सिस है ये नीटा एक्सिस की तरह ये कर रही है और ये जो है आपकी जेड एक्सिस से जीटा की तरह ये कर रही है। ये जो स्पेयर है इस स्पेयर की रेडियस मैंने आपको पता है कि स्पेयर की रेडियस कितनी है, 1 या फिर यूनिट, और स्पेयर का जो को सेंटर है वो क्या है, ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0, 0, 0। ठीक है, साथ ही साथ ये जो समतल है ये स्पेयर पे ये जो समतल है ये स्पेयर के सेंटर से गुजर रहा है, साथ ही साथ किस तल से गुजर रहा है, ये जेड बराबर जीरो तल से गुजर रहा है। ठीक है, दूध और एक और बात, ये जो जेड एक्सिस है या ये जो जीटा एक्सिस है ये स्पेयर को कितने भागों में कट कर रही है, ये इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है। कौन कौन से, एक तो पॉइंट एन और एक पॉइंट एस। इस पॉइंट एन को बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 1 और जबकि इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, -1। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एक्स वाई प्लेन है ये स्पेयर के सेंटर से पास आउट हो रहा है, कितने बराबर भागों में बांट रहा है, ये पूरे स्पेयर को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, कितने बराबर भागों में बांट रहा है, ये दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसका पूरा जो भी थ्योरेटिकल है वो देख लीजिए इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखो उसके बारे में लिखिए कुछ इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या आपको दिया गया, किस प्रकार से आपने इसको व्यवस्थित किया। ठीक है, देखो माना पाई एक सममित तल है। ठीक है, माना पाई एक सममित तल है तथा एस एक गोला है जिसकी त्रिज्या इकाई या वन तथा
केंद्र तथा केंद्र ओ है, ठीक है, तथा केंद्र ओ है जिसके निर्देशांक, जिसके निर्देशांक जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो है, ठीक है। चूंकि एक्स वाई प्लेन, चूंकि एक्स वाई प्लेन या पाई पाई तल या पाई समतल, चूंकि एक्स वाई प्लेन या पाई समतल गोले को दो बराबर भागों में बांटते हैं, गोले को दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, गोले को दो बराबर भागों में बांटते हैं तथा 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 पाई समतल तथा पाई समतल तथा पाई समतल गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से गुजरता है, ठीक है, तथा पाई समतल गोले के केंद्र से गुजरता है, ठीक है, पाई समतल क्या करता है, गोले के केंद्र से गुजरता है, और यह गोले को और यह गोले को या फिर और यह पाई समतल और यह पाई समतल और यह पाई समतल और यह पाई समतल गोले को जेड बराबर जीरो पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, जेड बराबर जीरो पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। मेरा कहने का मतलब ये जो अक्ष प्लेन या पाई समतल है ना, ये गोले को दो बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि जो आपने कोई भी गोल लीजिए ना, कोई भी गोल लीजिए, उसको आप क्या कीजिए, सेंटर के मतलब उसको काटिए या फिर उसके सेंटर से एक प्लेन गुजारिए, तो वो जो प्लेन गुजार रहा है वो कौन सा प्लेन है, पाई प्लेन, तो सेंटर से जो प्लेन गुजरेगा ना वो उस स्क्वायर को दो बराबर भागों में बांटेगा, एक तो ऊपर का आधा भाग और एक नीचे का आधा भाग। दूसरी बात कि ये जो पाई समतल है ये कहां से गुजरता है, ये गोले के केंद्र से गुजरता है, ठीक है, कहां से गुजरता है, गोले के केंद्र से गुजरता है, और ये पाई समतल गोले को कहां से प्रतिच्छेद करता है, जेड बराबर जीरो से करता है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब आपको प्लेन पे कोई भी पॉइंट लेना है, ठीक है, आपको क्या लेना है, प्लेन पे कोई पॉइंट लेना है, देखिए माना पी ऑफ जेड, माना पी ऑफ जेड पाई समतल पर कोई बिंदु है, ठीक है, माना पी ऑफ जेड पाई समतल पर कोई बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु है जिसके पैराग्राफ चिन्ह लिखो, ठीक है, माना पी ऑफ जेड पाई समतल पर, माना पी ऑफ जेड माना P of Z पाई समतल पर कोई बिंदु है, ठीक है, कोई श्वेच बिंदु है, ठीक है, कोई श्वेच बिंदु है जिसके निर्देशांक, जिसके निर्देशांक x कॉमा y है, ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या है, x कॉमा y है, तथा बिंदु P के द्वारा एक सम्मिश्र संख्या, एक सम्मिश्र संख्या या बिंदु P के संगत, तथा बिंदु P के संगत एक सम्मिश्र संख्या Z बराबर x प्लस अल्फा y का, ठीक है, जेड बराबर एक्स प्लस अल्फा वाई प्राप्त होती है, ठीक है, तथा हम जानते हैं कि कैसे आते देखो, अब हम बिंदु P को
बिंदु एन से मिलाते हैं, बिंदु एन से मिलाते हैं, ठीक है। अब हम बिंदु बी को बिंदु एन से मिलाते हैं, जिससे जिससे हमें रेखा रेखा पी एम प्राप्त होती है, ठीक है, जिससे हमें रेखा पी एम प्राप्त होती है, ठीक है, जिससे हमें रेखा पी एम क्या होती है, प्राप्त होती है, तथा 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 बिंदु एन व एस तथा बिंदु एन व एस गोले एस के गोले एस के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव है, गोले एस के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव है, जिनका निर्माण समतल के लंबवत जेड एक्सिस या ब्रैकेट में लिख दो जीटा अक्ष के प्रतिच्छेदन से होता है, ठीक है, जिनका निर्माण समतल के लंबवत जेड एक्सिस के प्रतिच्छेदन से होता है, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट एन और एस है, ये क्या कहलाता है, नॉन साउथ पोल कहलाते हैं, जिनका निर्माण क्या होता है, ये जेड एक्सिस है, ये से पास आउट हो रही है, तो ये जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, पॉइंट एन और पॉइंट एस, जहां पे एन कहलाता है नॉर्थ पोल और एस कहलाता है साउथ पोल, ठीक है। जहां बिंदु एन के निर्देशांक एन ऑफ 0, 0, 1 है, ठीक है। अब देखिए, माना बिंदु पी के या फिर ऐसे देखो, ऐसे लिख दीजिए, चूंकि बिंदु P ऑफ x, y, 0 तथा n ऑफ 0, 0, 1 है, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि बिंदु P ऑफ x, y, 0 तथा n ऑफ 0, 0, 1 है, ठीक है, जो रेखा PN पर स्थित है, ठीक है, जो किस पे स्थित है, रेखा PN पर स्थित है, ठीक है, जो किस पे स्थित है, रेखा पी एन पर स्थित, क्या मतलब है, बिंदु पी के निर्देशांक क्या है, x, y, 0 और x के निर्देशांक क्या है, 0, 0, 1, ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, रेखा पी एन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। देखिए, जो रेखा पी एन पर स्थित है तथा रेखा पी एन गोले को बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तथा रेखा पी एन गोले को बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती है, गोले को बिंदु क्यू ऑफ एक्साई थीटा जीटा पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, एक्साई थीटा जीटा पर प्रतिच्छेद करती है, तथा हम यह भी जानते हैं कि सम्मिश्र समतल के प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष गोले पर हमें एक अद्वितीय बिंदु प्राप्त होता है, ठीक है, हमें एक अद्वितीय बिंदु प्राप्त होता है हमें गोले पर एक अद्वितीय बिंदु प्राप्त होता है, तथा
तथा बोले पर विद्वान प्रमेय बिंदु के लिए तथा बोले पर विद्वान प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष तथा बोले पर विद्वान प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष बोले पर विद्वान प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष गोले पर निर्माण प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष हमें समतल पर एक अद्वितीय बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? एक अद्वितीय बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, एक अद्वितीय बिंदु प्राप्त होता है। तो ये आपको लिखना था कि आपको सममित समतल के प्रत्येक बिंदु P के सापेक्ष गोले पर एक बिंदु Q प्राप्त होता है तथा गोले के प्रत्येक बिंदु के Q स्टार के सापेक्ष सममित समतल में एक बिंदु P स्टार प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। अब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रीमान स्क्वायर इक्वेशन लिखना है। ठीक है, स्क्वायर का इक्वेशन आपको लिखना है। और मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, ये एक्स वाई एक्सिस की तरह बिहेव कर रही है। वाई एक्सिस बिहेव कर है, वाई एक्सिस का बिहेव कैसा है, वाई एक्सिस का बिहेव ईटा एक्सिस की तरह है और जेड एक्सिस का बिहेव जीटा एक्सिस की तरह है। ठीक है, दोबारा से लिख लो, लिख लीजिए, ये तो है एक्स वाई। ठीक है, ये क्या है एक्स वाई और ये क्या है, ये है ईटा और ये क्या है, ये है जीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, आपको रीमान स्क्वायर का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, रीमान स्क्वायर का इक्वेशन लिखना है। लेकिन उससे पहले आपको रीमान प्रक्षेप की क्या लिखनी है, कैलकुलेशन पे लिखनी है। ठीक है, देखिए गोले व समतल के बिंदुओं के मध्य गोले व समतल के बिंदुओं के मध्य एके की संगतता गोले व समतल के बिंदुओं के मध्य एके की संगतता स्थापित करना ही क्या कहलाता है, एके की संगतता स्थापित करना ही आपस त्रिभुज प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर त्रिभुज प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आप रीमान स्क्वायर का इक्वेशन। ठीक है, तथा यह गोला रीमान गोला कहलाता है। ठीक है, तथा यह गोला रीमान गोला कहलाता है। ठीक है, तथा यह गोला रीमान गोला कहलाता है। यह गोला कौन सा कहलाता है, रीमान गोला कहलाता है। ठीक है, अब लिखिए रीमान स्क्वायर का, चूंकि रीमान गोले का समीकरण निम्न है। ठीक है, चूंकि रीमान गोले का समीकरण क्या है, निम्न है। ठीक है, क्या है रीमान गोले का समीकरण, ये है x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, गोले का समीकरण हम जानते हैं कि कोई भी गोला है आपके पास, मान लिया आपने गोला वो है f जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर ABC है और जिसकी रेडियस r कितनी है, जिसकी रेडियस अगर r है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर r। ठीक है, रीमान गोले का सेंटर कितना है, रीमान गोले का सेंटर 0.0.0, रेडियस कितनी है 1। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 1। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए बिंदु P ऑफ x कॉमा y कॉमा 0 व n ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा 1 को मिलाने पर बनी
रेखा के दिक् हो जा, ठीक है, मिलाने पर बनी रेखा के दिक् हो जा। दिक् हो जा क्या होंगे, इसके दिक् हो जा x माइनस जीरो, y माइनस जीरो और जीरो माइनस वन होंगे, ठीक है। इसके दिक् हो जा क्या है, इसके दिक् हो जा है x माइनस जीरो, y माइनस जीरो और जीरो माइनस वन है, ठीक है। तथा यह रेखा PN तथा यह रेखा PN बिंदु N से गुजरती है, बिंदु N से गुजरती है तथा बिंदु N से गुजरती है तथा इसके दिक् को जा तथा इसके दिक् अनुपात कितने हैं, x माइनस जीरो, y माइनस जीरो, कोमा जीरो माइनस वन है। तब रेखा PN का समीकरण निम्न होगा। ध्यान रखना आपको कोई भी रेखा दी गई है और उस रेखा के आपको दिक् अनुपात देंगे, ठीक है। आपको कोई भी रेखा दी गई है और उस रेखा के आपको दिक् अनुपात दिए गए हैं, ठीक है। उस रेखा के दिक् अनुपात आपको दिए गए हैं ABC और वो रेखा आपको दी गई है तो उस रेखा जो कि किससे जो कि आपको मान के चलिए कोई रेखा दी गई थी, ठीक है, जो किस पॉइंट पे गुजरती है, जो कि पास आउट होती है आपकी x1, y1, z1 पॉइंट से, ठीक है। दूसरी बात, इस रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं, ABC है, इस रेखा का समीकरण होगा x-x1/a (y-y1)/b (z-z1)/c, ठीक है। क्या होंगे, कोई भी रेखा आपको दी गई है PQ जहाँ पे ये आपके बिंदु Q x1, y1, z1 से गुजरती है तथा इस रेखा के दिक् अनुपात ABC है तो रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण होगा x-x1/a (y-y1)/b (z-z1)/c। अगर आपको नहीं है तो आप ऐसे कीजिए, देखो ये देखिए ये आपका बिंदु P हो गया, ठीक है, ये आपका बिंदु N हो गया, आपने इनको मिलाया तो इसका निर्माण होगा, रेखा का निर्माण होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस रेखा PN पर बिंदु P पर एग्जिस्ट है ना, इस रेखा PN पर बिंदु P एग्जिस्ट है, इसी प्रकार इस रेखा PN पर N एग्जिस्ट है। तो आप मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये जो रेखा PN है ये किस बिंदु से गुजर रही है, बिंदु N से, और इसके दिक् अनुपात कितने हैं, इसके दिक् अनुपात है x-0, y-0, 0-1। तो इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण होगा कैपिटल x-0 या फिर स्मॉल ही है कैपिटल में कैपिटल कोई ध्यान रखना, ये कैपिटल है आप इसको यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका कैपिटल x है, ये आपका कैपिटल y और ये आपका कैपिटल z, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, रीमान स्क्वायर का समीकरण हो जाएगा आपका कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर प्लस कैपिटल z स्क्वायर, ठीक है। इससे इक्वेशन हो जाएगा क्या, इससे इक्वेशन हो जाएगा x-0/x-0 दिक्कत बराबर y-0/y-0 (z-0)/0-1, ठीक है। तो रिपीट ये बिंदु n से गुजरती है ज्यादा z-1/0-1, ठीक है। दोबारा से देख लेना, मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे आपको ये जो x दी गई है x एक्सिस है, यहाँ पे कैपिटल x है, यहाँ पर ये कैपिटल y है, यहाँ पे कैपिटल z है। तो आपने जो रीमान स्क्वायर का जो इक्वेशन फाइंड आउट किया है वो कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z में फाइंड आउट है, ठीक है। इसमें फाइंड आउट किया आपने कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z, आपको बताया दो बिंदु के बीच में कोई रेखा बनी है तो उस रेखा के दिक् अनुपात कितने होते हैं, उस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं x-0, y-0, 0-1, ठीक है। दिक् अनुपात क्या होता है, x-0, y-0, 0-1, ठीक है। अब देखिए ये रेखा का समीकरण कैसे आया वो भी देख लीजिए, ये जो रेखा आया इस ये रेखा का समीकरण कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए माना PQ एक रेखा है, या फिर ऐसे देख लीजिए
क्योंकि PQ रेखा, PQ रेखा बिंदु बिंदु x1 कॉमा y1 कॉमा z1 से गुजरती है तथा तथा जिसके द्विकल्पात तथा जिसके द्विकल्पात तथा जिसके द्विकल्पात a कॉमा b कॉमा c है तब रेखा PQ का समीकरण क्या होगा, तब रेखा PQ का समीकरण, तब रेखा PQ का समीकरण क्या होगा, रेखा PQ का समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, तो हमने इसके हेल्प से याद किया है। यहाँ पे आपको ये रेखा किस बिंदु से गुजरी है, जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन से गुजरी है। साथ में इसके द्विकल्पात कितने हैं, x माइनस जीरो y माइनस जीरो और जीरो माइनस वन है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, यही होगा। तो मैंने ये लिखा है आपको कैपिटल x माइनस जीरो अपॉन स्मॉल x माइनस जीरो बराबर कैपिटल y माइनस जीरो अपॉन स्मॉल y माइनस जीरो बराबर z माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन। ठीक है, और ये आपकी कौन सी होगी, आपकी इक्वेशन नंबर टू होगी। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी इक्वेशन का समीकरण है, ये तो आपकी इक्वेशन नंबर टू है। ये कौन सी लाइन का समीकरण है, ये आपकी लाइन का समीकरण है पीएन का। ठीक है, ये कौन सी लाइन का समीकरण है, ये आपकी पीएन लाइन का समीकरण है। अब ये पीएन लाइन का समीकरण है, ये पीएन लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो लाइन पीएन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपके स्क्वायर पे कट कर रही है। ठीक है, और स्क्वायर पे कौन से पॉइंट कट कर रही है, ये पॉइंट पे, ये आपके पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो रेखा एन की है ये किससे गुजर रही है, ये गुजर रही है स्फीयर के इस पॉइंट टू से गुजर रही है। ठीक है, ये रेखा एन बी स्फीयर के इस पॉइंट टू से गुजर रही है, तो कहने का मतलब ये रीमान स्क्वायर के, रीमान स्क्वायर के इक्वेशन को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, रीमान स्क्वायर के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, देखिए समीकरण दो से, समीकरण दो से कैपिटल एक्स माइनस जीरो अपॉन स्मॉल एक्स माइनस जीरो बराबर कैपिटल वाई माइनस जीरो अपॉन स्मॉल वाई माइनस जीरो बराबर कैपिटल जेड माइनस जीरो अपॉन सॉरी कैपिटल जेड माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन बराबर स्मॉल जी। ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी आपकी, यह थोड़ी रुकी, यह आपकी हो गई, अब यह आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई। अब देखो ये जो रेखा पी एन है ये किससे गुजर रही है, ये गुजर रही है बिंदु क्यू से। ये रेखा पी एन किससे गुजर रही है, ये रेखा पी एन गुजर रही है बिंदु क्यू से। ठीक है, देखिए चूंकि चूंकि रेखा पी एन बिंदु क्यू ऑफ एफ जाई ईटा जीटा से गुजरती है, एफ जाई ईटा जीटा से गुजरती है, तब 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 रेखा का समीकरण क्या होगा, तब रेखा का समीकरण निम्न होगा। ठीक है, तब रेखा का समीकरण क्या होगा, निम्न होगा। क्योंकि ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये रेखा किससे गुजर रही है, ये रेखा बिंदु क्यू से गुजर रही है, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ये कहने का मतलब है ये अगर बिंदु क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर आप यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह रिप्लेस करते हो तब ये क्या करेगी, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इक्वेशन लाइन इक्वेशन का सॉरी लाइन का इक्वेशन देख लीजिए, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा जीटा माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो बराबर ईटा माइनस जीरो अपॉन वाई माइनस जीरो बराबर जीटा माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन बराबर स्मॉल। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फोर, ये आपकी इक्वेशन नंबर फोर हो गई। इक्वेशन नंबर फोर से क्या लिख सकते हैं, एफ जाई बराबर के एक्स ईटा बराबर के वाई और जीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस ए। ठीक है, समीकरण चार से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण चार से लिख सकते हैं आप क्या, समीकरण चार से आप लिख सकते हैं एफ जाई बराबर के एक्स ईटा बराबर के वाई और जीटा बराबर वन माइनस ए, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फाइव। ठीक है, अब देखिए चूंकि चूंकि बिंदु Q क्योंकि बिंदु Q ऑफ एक्स जाई ईटा जीटा
गोले पर स्थित है, गोले पर स्थित है, गोले पर स्थित है, तो गोले के समीकरण को क्या करेंगे, तो गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गोले के समीकरण को संतुष्ट भी करेंगे। अब गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, अतः समीकरण एक व पांच से, ठीक है, अतः समीकरण एक व पांच से क्या कहते हैं, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है आपकी कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर बराबर वाई। ठीक है, तो ये पॉइंट किस पे है, ये पॉइंट आपके हैं गोले पर, तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, गोले का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर बराबर वन। ठीक है, देखिए समीकरण एक पांच से आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर बराबर वन। ठीक है, और साथ ही साथ समीकरण पांच से आप उसकी वैल्यू रख दो एक्स ईटा और जीटा की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस के का होल स्क्वायर बराबर वन। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से बनना के होल स्क्वायर आ रहा है, इसको आगे नंबर बनकर क्या आ रहा है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिखे रहने दो, फिर के स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या लिखे रहने दो, यहाँ से देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन बराबर वन। ठीक है, वन से वन कैंसिल हो गया, ठीक है, वन से वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इस टू के को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर टू के, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर टू के, के से के स्क्वायर एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर टू, और यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप स्मॉल के की, तो स्मॉल के की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल के की वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगी, स्मॉल के की वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सिक्स। ठीक है, आप देखो इक्वेशन फाइव और सिक्स से क्या लिख सकते हैं, समीकरण छः का मान पाँच में रखो। ठीक है, समीकरण छः का मान आप किस में रखो, पाँच में रखो, समीकरण छः का मान पाँच में रखने पर तो क्या है, पाँच में रखने पर एफ जे की वैल्यू क्या है, के एक्स, तो यहाँ पे के की वैल्यू रखो, एफ जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगी टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईटा की वैल्यू क्या है, के वाई, के की वैल्यू रखो, तो हो जाएगा टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, और ईटा की वैल्यू क्या है, ईटा की वैल्यू है वन माइनस के, हो जाएगा वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, सोल्व करने के लिए क्या आ रहा है वो देखिए, सबसे पहले तो सोल्व करने पर देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स जाए बराबर टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ईटा बराबर टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, और जीटा बराबर आ रहा है आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, आता है आप क्या कर सकते हैं, आता है बिंदु, अतः बिंदु P ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जीरो के संगत, जीरो के संगत गोले एफ पर, गोले एफ पर हमें, गोले एफ पर हमें बिंदु Q ऑफ एक्स आई ईटा जीटा प्राप्त होता है। ठीक है, U of x i theta theta प्राप्त होता है, जहां theta की वैल्यू क्या है, फिर x i की वैल्यू क्या है, x i की वैल्यू है 2x upon x square plus y square plus 1, theta की वैल्यू क्या है 2y upon x square plus y square plus 1, और theta की वैल्यू क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, आप देखो इसकी सहायता से और कुछ फाइंड आउट करना है वो भी देख लिया। नेक्स्ट देखिए, देखो भाई इक्वेशन नंबर 7 आ गई। आप देखो आपको पता ही है कि z बराबर क्या है, x प्लस y का मतलब। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं z बराबर क्या है, x प्लस y का मतलब। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है y। साथ ही साथ मोड z स्क्वायर बराबर क्या है, मोड z स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, बीटा की वैल्यू, सॉरी एक्सजे की वैल्यू, एक्सजे की वैल्यू लिख सकते हो 2 इनटू रियल पार्ट ऑफ z अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, मोड z स्क्वायर पे लिख सकते हो मोड z स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन मोड z स्क्वायर प्लस 1, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड मोड z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मोड z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दिया गया है और इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिए गए हैं, तो आप इसकी सहायता से भी इस पेयर पे जो पॉइंट है xj थीटा और जीटा वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो हो गया आपको क्या, कि जब आपको प्लेन में पॉइंट दिया गया है तो आपको अगर मान लीजिए आपको स्पीयर पर पॉइंट दिया गया तो प्लेन पे कैसे याद करोगे वो भी देखिए, प्लेन पे कैसे याद करते हैं पॉइंट वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, देखो भाई आपको मैंने वैल्यू लिखाई थी किसकी, आपको मैंने वैल्यू लिखाई थी किसकी, एक्स वाई की, थीटा की और जीटा की। जहां पे एक्स वाई की वैल्यू तो क्या थी के एक्स, थीटा की वैल्यू क्या थी के वाई, और जीटा की वैल्यू क्या थी 1 माइनस ए। यही वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, तो इस वैल्यू की सहायता से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की सहायता से हम एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे, और फिर उनके मान का आना करेंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, जेड का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताते हैं हम आपको। माना टू स्टार ऑफ एक्स वाई ईटा जीटा गोले पर कोई बिंदु है, गोले पर कोई बिंदु है तब समतल पर बिंदु पी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, तब समतल पर बिंदु p स्टार ऑफ x कॉमा y कॉमा 0 निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है वो बता देता हूं। क्योंकि xj बराबर kx, eta बराबर ky और zeta बराबर 1 माइनस। ठीक है, तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकालो, यहां से आप लिख सकते हो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस जीटा। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस जीटा, और k की वैल्यू यहां पे रख दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीटा की वैल्यू तो हो जाएगी 1 माइनस, फिर x की वैल्यू ले लेंगे 1 माइनस जीटा * x, थीटा की वैल्यू जाएगी 1 माइनस जीटा * y। ठीक है, ये हो जाएगी। अब यहां से आप क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स जाइ अपॉन वन माइनस जीटा। चाहो तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो क्या, कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी एक्स जाइ अपॉन वन माइनस जीटा, y की वैल्यू हो जाएगी ईटा अपॉन वन माइनस जीटा। ठीक है, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू होगी x प्रकार का y, x का मान रख दो y का मान रख दो, क्या आ जाएगा जीटा प्लस आयोटा ईटा, फिर एक्स प्लस आयोटा ईटा अपॉन वन माइनस जीटा। ठीक है,
ये आपके पास फॉर्मूला हो गया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का करने का। अतः गोले पर बिंदु क्यू स्टार ऑफ एक्स आई ईटा जीटा के संगत समतल पर बिंदु पी स्टार समतल पर बिंदु पी स्टार ऑफ एक्स वाई जीरो निम्न होगा। ठीक है, समतल पर बिंदु पी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो निम्न होगा। ठीक है, जब आपको गोले पर बिंदु दिया गया है तो आप उसकी सहायता से क्या कर सकते हो, आप समतल पर बिंदु निकाल सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको गोले पर जब भी कौन दिया गया है तो समतल के किस प्रकार से याद करोगे, इक्वेशन नंबर 9 की सहायता से। ठीक है, और जब आपको गोले पर समतल पर बिंदु दिए गए हैं तो गोले पर कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन नंबर 7 की सहायता से। ठीक है, इसकी सहायता से याद करोगे, इक्वेशन नंबर 7 की सहायता से। और आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होगा। इस लेक्चर के बाद आपके इस चैप्टर के अंदर ओनली एक थ्योरम बची है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता हुआ। ठीक है भाई।